चल ठीक है तो स्लैवरी ग्लैंड में क्या है कि जीआईटी के चीजों को स्टार्ट किया और मान लो कि टॉपिक टॉपिकली अब स्टार्ट इस हुआ इससे पहले सिर्फ हम लोग जीआईटी पढ़ने की तैयारी कर रहे थे थी, ठीक है तो स्लैवरी ग्लैंड जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो जो स्लैवरी ग्लैंड वो ग्लैंड जिससे क्या निकलता हो सिक्रीट होता है क्या होता है स्लाइवर सिक्रिट्स होता हो तो इन जनरल हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी में जो स्लैवरी ग्लैंड है वो थ्री पेयर है कितने है? और थ्री पेयर जो मेजर है एंड सम माइनर्स स्लेवरी ग्लैंड इज ऑल्सो इन आवर बकल कैविटी तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि कभी भी हम लोग बात करेंगे तो स्लेवरी ग्लैंड में दो कैटेगरी डिवाइड एक मेजर एक माइनर स्लेवरी ग्लैंड कितने कर दिया गया स्लेवरी ग्लैंड को दो एक मेजर कर दिया गया है एक माइनर कर दिया गया है ना तो जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये मेजर के बारे में पढ़ते हैं माइनर सिर्फ नाम आपको माइनर्स के याद रखने बाकी मेजर्स में हम लोग देखेंगे कि हाँ उसमें क्या सिक्रेशन है क्या डक्ट है कहाँ है क्या लोकेशन है इन सारी चीजों के बारे में है ना तो जो अब तीन ग्लैंड है वो है क्या तो एक को हम लोग बोलते क्या पैरोटिड ग्लैंड है सबके सब, सब पेयर में है, तो ये भी दो होगा सब मैगलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं ना ये भी एक पेयर है उसके बाद हम लोग देखते सबलिंग ग्लैंड है ना ये भी एक, है, ये भी एक दो अब यहां से हम लोग एक एक करके देखेंगे जो मेजर्स ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग आते हैं आता पैरोटिड ग्लैंड आता है क्या आता है पैरोटिड ग्लैंड आता है अब कई बार हम लोग देखे होंगे इससे पहले पैरोटिड ग्लैंड की बात सुनो कि अगर खास करके बचपन में या अभी भी कहीं कभी देखते हो किसी को अगर इस साइज में सूजन हो जाता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम में तो एक पट्टी देखते हो लगा के रखता है वो क्या होता है गलफुल्ली अच्छा हाँ तो एक्चुअली वो गलफुल्ली ने दिस इज द इन पैरोटिड क्या होता है वो इनफ्लामेशन इन पैरोटिड ग्लैंड होता है ना जी तो आप ये याद रखना कि बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम ये स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड में पैरोटाइटिस वगैरह होता है तो उस केसेस में हम लोग पेशेंट्स को वो uh, क्या करते हैं एडवाइज करते हैं उसको तो खैर चलो

तो उसके कुछ पार्ट ये जो ये जो अंदर में दिख रही है ये पूरा सेलेवरी ग्लैंड ये सॉरी है ना तो ये जो एरिया वो कहाँ है एक तो फेस में साइड साइड से फ्रंट में तो नहीं है साइड में है ठीक है और वो एयर जो है एयर लोब्स कह सकते हो स्पेशली उसके नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर है उसके सामने भी कुछ सिस्ट है, उसके फ्रंट में भी तो पहला तो मैं याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है दूसरा याद रखना है वो सिचुएशन के साइड पे है एयर लोब्स के बिलो एंड फ्रंट में देखने को मिलता है वेट इस ग्लैंड का लगभग हम लोग देखते हैं तो 20 से लेकर के 30 ग्राम इन ग्लैंड का यहां तो तो से क्या होगा कुछ ना कुछ रिलीज होगा अच्छा कोई भी ग्लैंड में पहले ही बताया कि अगर ग्लैंड दो तरह का एक ऐसा ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट डालता है ब्लड में डालता है और एक ऐसा ग्लैंड जो अपने के में बात भी किया था लोग ना? कि दो अलग अलग अगर ग्लैंड है, तो वहां पर हम लोग देखते है कि अलग अलग चीजें हो जाती है क्या हो जाती है पहले एक बेसिक चीज को याद रखना कभी तो कि अगर ग्लैंड के पास अपना डक्टस सपोज ये एक ग्लैंड है मुझे नहीं पता ये क्या कोई भी एक एक्सपाइजेड ग्लैंड है अब हर ग्लैंड का काम क्या सिक्रेशन करना कोई ना कोई प्रोडक्ट सिक्रेशन करेगा ये भी दूसरा एक ग्लैंड है जो अपने क्या करेगा सिक्रेशन करेगा प्रोडक्ट का पी प्रोडक्ट और दोनों केमिकल के फॉर्म में सिक्रेशन होगा चाहे वो हार्मोन हो या एंजाइम हो क्या होगा केमिकल के फॉर्म में होगा अब एक ग्लैंड है और मान लो इस ग्लैंड का ये जो ग्लैंड है ग्लैंड ए है ये मान लो ग्लैंड बी है सपोज हम फंक्शन दोनों का अलग बता रहे हैं प्रोसेस ए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रॉन्ग अब ए ग्लैंड से कुछ सिक्रीट्स हो रहा है उसको टारगेट बी पे टारगेट डी पे आना सपोज टारगेट टाराइट जो केमिकल होगा या यानजाइम्स हो या कुछ हो, अब सलाइवा ग्लैंड में सिक्रीशन होता है लेकिन आता कहाँ पे ओरल कैविटीज के अंदर बाहर अंदर तो वो टारगेट साइट हो गया तो टारगेट साइट तक पहुंचने में एक प्रोसेस है कि एक तो जनरली हम लोग देखते हैं ग्लैंड के पास अपना एक डक्टर सिस्टम होता है ये अपना रास्ता ओन रास्ता है कि भाई यहाँ बनेगा सब कुछ होगा इस डक्ट में डाल दिया जाएगा और यहां से चीजें क्या होगी सिक्रीट होते होते कहा पहुंच जाएगा टारगेट साइट एक ऐसा ग्लैंड है जिसके पास रास्ता नहीं है कि यहां से अपना रास्ता नहीं है यानी अपना सिस्टम नहीं है जो रिलीज करे तो टारगेट साइट पे पहुंचाए तो अब कोई भी ग्लैंड चाहे ये ग्लैंड हो चाहिए ग्लैंड हो हर ग्लैंड के पास उसके आस पास से कोई ना कोई ब्लड वेसल्स क्या हो चुका है जा रहा है चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो सबके पास अपना ब्लड वेसल्स जा रहा होता है ना ना, कोई कैपेरीज का फॉर्म किसी भी फॉर्म में ब्लड सप्लाई तो होता ही है इसके पास तो अपना डर सिस्टम है तो ये किसी पर डिपेंड है? नहीं होता तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे इसको एक्सोक्राइन ये याद रखना एक्सो क्राइन बार बार मैं बोल रहा हूँ एक्सोक्राइन एक्सो का मतलब बाहर क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन है जो अपने सिक्रेशन को कहा डाल रहा है बाहर यानी के अपने ओन डर सिस्टम में डाल रहा है अब यहाँ पे अच्छा ये टारगेट साइट तो क्या कोई बॉडी का टिश्यू का पार्ट होगा ना तो यहाँ पे भी कोई ना कोई ब्लड कैपलरीज होगा जाहिर सी बात है तो बॉडी के हर एक पार्ट तक तो ब्लड का आ, क्या कहते तो हैं सप्लाई है अब ऐसे ग्लैंड जिसके पास अपना सिस्टम नहीं है ओन डकटर सिस्टम नहीं है तो वो क्या करती है अपने सिक्रेशन को कहाँ डाल देता है ब्लड में डाल देता है कहाँ डाल देता है ब्लड में डाल दिया और अपने सिक्रेशन को ब्लड में डालने के बाद वो छोड़ देगा है ना और ये उसका मानो सिक्रेशन है और ये एक टाइम है कि होल ऑफ द बॉडी में जाएगा तो घूमते घूमते टाइम इसमें आएगा घूमते पूरे बॉडी में चला गया ना ब्लड में चला गया तो घूमते घूमते आएगा और ये टारगेट पे पहुंच जाएगा तो यहां क्या हुआ कि इसमें जो सिक्रेशन है वो किस में किया तो ब्लड वेसल्स में किसमें ब्लड वेसल्स में तो इस इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इंडो इंडो, इंडो क्राइन अब यहीं से एक जो इंडो का डिफरस होता है देखो इंडो का मतलब अंदर क्राइन का मतलब व्हेन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लैंड इज सिक्रीटेड विद इन द ब्लड वेसल्स इज नॉन एज इंडो ग्लैंड वेन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लैंड सिक्रेशन आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल एक्सो हो गया एक्सो मतलब बाहर किससे बाहर ब्लड वेसल्स में वो नहीं, नहीं उससे बाहर उससे बाहर क्या मतलब तो अपना ओन सिस्टम है तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे स्लेवरी ग्लैंड वो कैसा होगा इस तरह कई भी ग्लैंड कई अभी आगे चल के आएंगे तो हमेशा जब मैं बार बार एक्सो और इंडो बोलूंगा तो आपको यह चीज एकदम डिफ्रेंसिएट हो जाना चाहिए कि अच्छा एक्जो बोला जा रहा है तो मतलब वहां पर क्या है कि अपना डॉक्टर सिस्टम होगा टारगेट साइट तक अप टू टारगेट साइट जहां पे काम कराना है उस चीज को और इंडो बोलेंगे तो अभी हमें क्या? क्योंकि मिलेगा क्योंकि जीआईटी के अंदर पर इंडो क्राइनोलॉजी जब इंडो क्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर सारा चीज मिलेगा ठीक है तो वैसे ही हम लोग यहां पर देखेंगे इसके सिक्रेशन फ्रॉम दिस ग्रैंड आर और इसके जो सिक्रेशन है वो कहां जाते हैं तो ओरल कैविटी में खाली होता है कहा खाली होता है ओरल कैविटी में खाली होता है अब ओरल कैविटी में जो खाली होता है तो ओरल कैविटी में ऐसा तो नहीं खाली होगा वो क्या करेगा कि अपने किसी ये जो मान लो ये ग्लैंड है ये ग्लैंड अपने सिक्रेशन को कहां डालेगा ओरल कैविटी ओरल कैविटी जो ग्रीन कलर का यहाँ तुम देखो तो क्या निकला हुआ डक्ट निकला हुआ और इस डक्ट का नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंशन डेनते किस नाम से अब यहां तो याद रखना यही चीज है कि पैरोटिड ग्लैंड तीन चार अभी नाम आए जैसे पैरोटिड में, में, में पड़ेंगे तो सबका अपना अपना एक नाम है ना तो पैरोटिड ग्लैंड अपने को ओरल तक ले जाने में जिस डक का यूज करती है उसका नाम क्या आ जाता है तो है एक इधर से होगा एक इधर से होगा दो पैरोटिड हो गया ठीक अब डक्ट का लगभग डायमेंशन वगैरह दे रखा तो 35 टू 40 एम एम जो है वो लॉन्ग है ना ओपन इन साइड द अपर सेकंड मोलर टू मोलर पढ़ते ना? Upper, नहीं. Upper, कि ना। अपन अब पहले में तो अब देखो इन, सामने जो तुमको देख रहा है वो क्या होता है उसके बाद केनाइन उसके बाद मोलर ठीक है तो दो जो सेकंड वाला मोलर है फर्स्ट सेकेंड जो मोलर है उस पर आकर के ये डट खोलता पोजिशन जाने का मतलब किसी कारण से किसी रीजन से ये डक्टस ब्लॉक मुंह बहुत ड्राई रहता है ना तो 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 और भी कई रीजन हो सकते बटिया तो हमें अब पता होना चाहिए आ गा तो जो जो इस तरह के इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे सॉरी क्या कहते हैं कि एक्सोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे तो वो उन लोगों को फिर उस चीज को एग्जामिन करें खैर उस चीज को रहने तो इसका दूसरा चीज क्या हुआ डक्ट का लेंथ पता होना चाहिए और ओपनिंग कहां पर है उस चीज को आपको पता होना चाहिए तो कहां पे हो रहा है तो अपर सेकंड मोलर पे ये जा करके ओपन कराते ठीक है तो ये पैरोटिड के बाद उसके बाद हम लोग आते किसमें सब मैगजलरी ग्लैंड है ना सब मैगजलरी ग्लैंड यह जिसको हम लोग सब मैंडेबल्स के नाम से भी जानते किसके नाम जानते सब मैगलरी या सब मैंडेबुलर एक ही नाम है ना ये मैक्सिला इधर से आ गया उसके नीचे या इस मैंडिबल्स के नीचे इस रीजन में तो लगभग लगभग एक ही चीज है ना बेसिकली हम लोग देखिए क्या हुआ लोकेटेड सब मैक्सिलरी ट्रैंगल एंड मीडियल टू द ये जो मैंडिबल्स है बाहर बाहर है इसके मीडियल कह रहा तो इसके बाहर तो आप है ही नहीं कुछ इधर नहीं है तो मैंडिबल्स के अंदर ये येजन में ये जो ट्रेंगुलर अब यहां पर तुम ऐसे करोगे तो एक यहां से यहां ऐसे ट्रैंगल बन रहा है यहां से है क्या बनेगा ट्रेंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सब थे। तो इस ट्राइंगल के अंदर याद होगा तो ऑलरेडी तो हम लोग कलर वाला जो रहा तुमको जो ग्रीन कलर है यही है इसका क्या सब मैगजरी सब के नाम अब इच ग्लैंड वेट अबाउट आठ से दस ग्राम इसको हम लोग देखते हैं, कितना होता है आठ से दस ग्राम देखिएगा स्लाइवा फ्रॉम दिस ग्लैंड इसका जो स्लाइवा है जो होता खाली होता किस डक्ट के थ्रू होता तो वार्टन थ्रू होता किसका उसका था डक्स डक्स के के थ्रू थ्रू इसका किसका के हो रहा वार्टन. ये डक्ट का नाम आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ कभी भी किसी कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव में अगर एग्जाम पूछेगा तो नाम ऑफ सलाइवा नाम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड नहीं पूछता इतना लो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये पूछेगा किस डक्ट के थ्रू कनेक्शन है किस डक्ट के थ्रू वो खाली करता अपनी चीजों को है ना वाटर डक विच इज अबाउट फोर्टी एम एम है कितना चालीस एम एम देखने को मिलता है तो बीच तो में दिखता होगा एक है ना तो टाइप का स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं बाई मीन स्मोल ओपनिंग ऑन द सबिट ऑफ पैपिला इसका क्या जो ओपनिंग है वो फेमुलम के साइड में देखता है और एक सही से देखोगे तो लगेगा यहाँ पे पैपलर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर पॉइंटेड पॉइंटेड इस तरह का कुछ निकला हुआ है ना इस तरह से कुछ है से। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रैनो क्रैनर सबलिंग क्या है एक पैपुलरी स्ट्रक्चर है जो कि किसके ना है ना डक्स का टर्मिनेशन पॉइंट है बेसिकली है ना वहां पे जाके टर्मिनेट कर रहा तो उस एरिया में फ्रेनम की एरिया में दोनों साइड में प्रॉपर ये तुमको

लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। ग्लैंड और सब आ, क्या कहते हैं कि लिंग्वल इज स्मॉलेस्ट तो अब सीरीज में तुम्हें याद हो गया सबसे बड़ा अगर ऑर्डर में कभी आ जाए क्वेश्चन कि सबसे लार्जेस्ट को पहले लिखो फिर उसके बाद वाले को लिखो तो सब आ, क्या कहते हैं फायर हो जाएगा सब मैक्स अभी हम ऐसे लिख रहे हैं ठीक है थीके? और फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा सब लिंग्वल तो इस तरह से अगर ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाए ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर में

बड़ा छोटा का अरेंजमेंट करा देगा और आपको करेक्ट ऑप्शन को कह आपको चूज करने के लिए या तो छोटा से बड़ा की तरफ या बड़ा से छोटा की तरफ ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक चीज पता चल गया स्मॉलेस्टरी ग्लैंड हो गया सिचुएशंस क्या है मेकोसा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ बेसिकली डेफिनेटली कि वो टंक के नीचे है तो टंक के नीचे जो पूरा एरिया वो क्या पूरा फ्लोर है माउथ जो बक्कल कैविटी है ऊपर क्या रूफ है साइड वॉल है नीचे क्या पूरा उसका फ्लोर है

अब से पांच से पंद्रह छोटे छोटे निकल रहे सपोज ऐसे याद रख सकते हो ये ग्लैंड है इससे एक निकला डक्ट दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवां नौवा दसवां ऐसे दस से पंद्रह डक्ट उसमें जो सबसे बड़ा वाला है ये सबसे बड़ा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट के नाम से जानते हैं तो बार्थोलिन डार्जेस्ट डक ऑफ्वल सबलिंग है, सब आ, है, तो है ना सबलिंगल जो ग्लैंड है उसके अंदर में को को पूरे सब है उसको हम तो क्वेश्चन आपका यहाँ आपसे पूछे कि जो सब्लिंग ग्लैंड है इसका जो है, इसका जो इन, जो जो है है यानी ये अपनी को करता बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डक्ट और ऑप्शन ऑप्शन में आपको दे देगा दोनों बारथोलिन डक दे देगा दे दे और डकनेस तो दे देगा दे 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 है ना उधर क्या कहते हैं व्हाटसन डक दे देगा सेंसर डक दे देगा तो किसमें लगाओगे

तो सब मैगजरी का और सब मैंड सॉरी क्या कहते सब लिंग का लगभग लगभग लग 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 हम लोग कह सकते हैं कि दोनों की जो ओपनिंग है वो एक नियर अबाउट में सब टंग के नीचे आसपास में देखते अब यहाँ पे ये तीन पेड़ जो था मेजर का खत्म हो गया दूसरा हम लोग आते हैं यहाँ पर देखते क्या माइनर्स की हम लोग बात करते हैं तो माइनर में आपको सिर्फ नाम याद रखना बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है माइनर में क्या लिंग्वल म्यूकोजल ग्लैंड लिंग्वल सीरोस ग्लैंड है ना

ग्लैंड में हम लोग प्रॉपर चीज खरीद लेंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी है ना तो स्लैवरी ग्लैंड के अंदर में जो चीजें हैं वो एक चीज अब अब जो ग्लैंड है वो सिक्रेशन है ना जो कराता सलाइवा को कराता उस सलाइवा की क्या प्रॉपर्टी है क्या कॉम्पोजिशन है सलाइवा में है क्या वॉट इन सलाइवा है ना तो उन चीजों को हम लोग डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वॉल्यूम कि कितना सलाइवा निकलता है वॉल्यूम की अगर बात करें वन थाउजेंड एम टू फिफ्टीन हंड्रेड एम ऑफ सलेवा सिगरेट पर डे सोचो कितना निकल रहा है एक दिन में एक से डेढ़ लीटर निकलता है ना जी पता चलता है आप सुन सब कहा जाता है पेट में कहा जाता है रमजान में रमजान में तो और ड्राई हो जाता है जी रमजान में सलाइवा कहा निकलता है जी मैं सुबह मान लो निकला निकला फिर बारह एक बजे और जोर के बाद तो बिल्कुल नहीं अभी इस... खाने के टाइम में या फिर आपका कोई आपका है ना अच्छी चीज खाने का दिख गया या याद आ गया तो वैसे टाइम में है ना बिरयानी के टाइम में सही बात है तो एक से डेढ़ लीटर सलाइवा शांत हो जाओ अप्रोकॉक्सली बेसिकली हम लोग देखते हैं वन एम पर मिनट अगर पर मिनट की बात करें कितना निकलता है अप्रोक्समी वन एम एल पर मिनट सलाइवा आपके माउथ में डेफिनेटली अगर सलाइवा नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं पाओगे अगर आपका माउथ ड्राई होता है तो स्पीच में प्रॉब्लम आने लगती है तो सलाइवा का सिर्फ एक ही काम नहीं है सिर्फ वो डाइजेशन के लिए आ रहा होगा एज ए एंटीसेप्टिक भी वर्क करता है लोग कहते नहीं कहीं कट गया जल्दी से थूक लगा लो लगाते भी मुझे कटते हाथ मुंह में जाता है तो देखो तो गलत तो नहीं है लेकिन जाना नहीं चाहिए ये भी गलत है जाना इसलिए नहीं चाहिए अभी हमारे पास क्या है हमारे पास एंटीसेप्टिक है एंटीसेप्टिक लोशन है ना तो उसका इस्तेमाल करें बनिस्पत की थूक में जाने के ना वो एक टाइम होगा एंसेंट टाइम होगा प्राचीन काल चल रहा है वहां पर इन चीजें नहीं होगी तो लोग का क्योंकि इसके अंदर में एसिडिक है सलाइव अब हम लोग देखेंगे तो कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक्टीरिया को लेकिन उससे ज्यादा बैक्टीरिया तो मुंह पैसे बैठा हुआ है उससे ज्यादा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जाकर के हमारे बक्ल कैविटी के अंदर में जो भले हमको इफेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन ब्लड कंटेक्ट है ना जाएगा ब्लड में कंटेक्ट होगा तो फिर बॉडी में घुसेगा तो एक चीज है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है लेकिन इतना कि हम जब भी कटे तो उंगली को मौत में है अब इसका रिएक्शन फॉर द ऑल ग्लैंड इज स्लाइटली एसिडिक विदीएच ऑफ सिक्स पॉइंट थ्री फाइव टू ठीक है ना इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या, 6 ये स्लाइटली हाँ, है तो जिसके वजह से हम लोग कभी जो जो प्राचीन लगता होगा कि चलो अंदर जाएगा तो आ, कुछ भी ऐसी तो हम लोग देखते हैं -प्लाज्मा, जो, प्लाज्मा से, प्लाज्मा में जो प्लाज्मा, उसकी में पढ़ा रोक फ्रूट के अंदर में याद होगा उससे कम होता तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आ जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा एक जनरल सलाइवा के अंदर हम लोग कॉम्पोजिशन देखते हैं तो लगभग कितना 99.5 नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट सिर्फेन क्या है, क्या जो है ना एंड 0.5 से सॉलिड है ना अब यहां पर कंप्लीटली सलाइवा को अलग अलग कैटेगराइज किया गया सलाइवा जो है सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो क्या मिला वाटर मिला और सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव परसेंट क्या है सॉलिड है अब इस जीरो पॉइंट फाइव परसेंट सॉलिड में हम देखते कि अलग अलग थी पहले तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस अलग किया गया फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक अलग किया गया फिर कुछ गैसेस गैसे तो है ना गैसेस तो खैर है ऑर्गेनिक में भी दो चीजें एक तो बेसिकली एंजाइम्स जितने भी एंजाइम्स है वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक में ही आता है तो एंजाइम्स कौन कौन से हैं पूरे सलाइवा में हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमाइलेज इसको टाइलिन के नाम से भी जानते पी पी फोर पी से टाइलिन है ना पी साइलेंट है यहां पर टाइलिन है ना तो अमाइलेज के नाम से जानते माल्टेज के नाम से जानते लिंगवल लाइपेज के नाम से जानते लाइसोजाइम्स के नाम से जानते फॉस्फेट फॉस्फेटेज के नाम से कार्बोनिक एनहाइड्राइज और कैलिक्रीन ये साथ है जो आपके के अंदर भी प्रेजेंट होता है, अब है, है, लिंग्वल है तो लगभग हम ये देख रहे हैं कि जितने भी एंजाइम्स है या अब यह बहुत स्ट्रॉग एंजाइम नहीं है पहली बात तो ये जान। बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम नहीं है बहुत माइल्ड थोड़ा सा डाइजेशन कराता लेकिन है तो हम एग्जिस्टेंस है तो उसकी हम लोग बात करते हैं तो जितने भी यहां पर एंजाइम है वो या तो आपके कार्ब्स को डाइजेस्ट करने वाला जो भी हमारा फूड स्टफ है वो तीन ही है ना या तो कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर प्रोटीन से या फिर, फिर लिपिड्स फैट जो बोल रहा है ना वही ती, तीन तीन चीज है तो यहाँ पर जो चीजें हैं हमारे पास तो लगभग हम जो देख रहे हैं हमारे पास वो एंजाइम्स है सलाइवा में जो या तो कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराएगी या फिर लाइपेस है तो लिपिड सेन फैट जिसको तो कह सकते उसको आ, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा में नहीं होता है तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं आगे चलकर कभी याद प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट नहीं होता है इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट नहीं होता है और लिपिड है और एमाइलेज वगैरह है तो कार्बोहाइड्रेट की जितने भी सबस्ट्रेट होंगे या फैटी जो भी चीज होगा उसका माउथ से होगा लेकिन वो नहीं के बराबर है वो भी <coughs> बहुत ही पानी है क्या है ना तो ये चीजों उसके बाद अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है देखो म्यूसिन है एल्बोमिन है

जिसके वजह से ब्लड का ग्रुप कंसिडर किया जाता है जैसे किसी का ब्लड तो ब्लड में बताया था तुम लोगों को तो उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होगा तो सिर्फ आरबीसी के सरफेस पर नहीं होगा बॉडी के एवरी फ्लूइड्स, एक्सक्लूडेड सीएसएफ, सीएसएफ को छोड़ करके बॉडी का जितना फ्लूड्स है ऑलमोस्ट सारे फ्लूड में ब्लड के यानी जो आपका ब्लड के लिए आ, क्या कहते हैं कि एंटीजन वो सेम एंटीजन यहाँ पे भी होगा स्लाइवा में होगा आपका टेयर में होगा सेमेन में होगा हर एक जगह पर देखने को मिलेगा बॉडी डिस्चार्ज में होगा इवन दो बॉडी के टिश्यू में होता है लोग को सिर्फ ये लगता है हम लोगों लोग सिर्फ ब्लड का एंटीजन सिर्फ ब्लड पे होता है तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि किसी का किडनी किसी को नहीं लग पाता क्यों ब्लड तो समझ में आ रहा था उसके पास भी एंटीजन है ना तो वो भी मैच होना बहुत जरूरी है कोई भी ऑर्गेन भी अगर हम एक्सचेंज करते हैं किसी एक से दूसरे से तो ऑर्गे किसी को अगर ट्रांसप्लांट करा करा रहे ग्राफ्टिंग करा रहे ग्राफ्टिंग तो भी नहीं किसी का लाव लगा दो कर मैच नहीं हो रहा है उसके लिए भी क्रॉस मैच कराना क्योंकि उसके पास भी इतनी एंटीजेंस एक घंटे तो अभी समझ में आ रहा है ना और भी कई एंटीजन है जो उससे मैच कर रही तो एंटीजन अगर अलग हो जाएगा तो आपके बॉडी उसको क्या करेगा मानो लगा दिए लेकिन हमारे बॉडी के लिए वो एंटीजन सूट नहीं कर रहा है तो हमारा बॉडी का एंटीबॉडी क्या करेगा उसको रिजेक्ट करेगा रिजेक्ट में क्या करेगा उससे अच्छा खासा मान लो किडनी लगा और किडनी खराब हो गया तो इसलिए जब तक पैच नहीं करता ग्राफ्ट नहीं होता चलो और भी चीजें फ्री अब मेजर बहुत कुछ नहीं यादर याद है जितना याद है इसमें से याद रखोगे बहुत ज्यादा पूरा रटने की जरूरत नहीं इसके है इसके अंदर में ठीक है है ना उसका फ्री फ्री अमाइनो एसिड्स है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस जैसे सबसे यूरिया है यूरिक एसिड जेंथेन हाइपोज ये बहुत तो मिनिमम मिनिमम अमाउंट में ये सलाइवा के अंदर में मिलेगा अब देखो ये यूरिया है ये सब का वेस्ट है तो सलाइवा से वेस्ट भी निकल रहा है बॉडी का है ना चलो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सोडियम कैल्शियम पोटासियम बाइकार ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड फॉस्फेट ये सारी चीजें देखने को मिलता है गैस तो ऑक्सीजन कार्बन तीन ही गैस है बॉडी के अंदर में जनरली आपको मिलेगा तो क्या मिले जनरली तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ठीक है अब यहाँ ग्लूकोज का मामला आता है ग्लूकोज जनरली सलाइवा में नहीं होता लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है तो सलाइवा में ग्लूकोज आएगा कब आएगा तो इसका मतलब किसी अगर सलाइवा इन्वेस्टिगेशन आपके पास आ रहा है सलाइवा भी आएगा बहुत सारे लैब में अगर आप काम करोगे तो सैंपल सलाइवा आएगा तो अगर उसके सलाइवा में ग्लूकोज फाइंडिंग आ रही है तो वैसे ही केस में आपको कंफर्म मतलब ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स है वो क्या है डायबिटीज है तो फिर डायबिटीज के लिए जो फर्दर आप करके कंफर्म होंगे लेकिन ये एक इंडिकेशन आपको दे देगा कि जब डायबिटीज का केस होगा तो उसके सलाइवा में क्या मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा जनरली नहीं मिलेगा क्या हुआ ग्लूकोज मिलेगा हाँ ग्लूकोज मिलेगा जनरली नहीं मिलेगा ठीक तो है ये बेसिकली जब कार्स का जब कॉम्प्लेक्स सिंपलेक्स फॉर्म होता है उसको कन्वर्जन करता है ठीक है हम लोग आएंगे इसके फंक्शन हाँ वो जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह से पढ़ते ना? पढ़ते है, पढ़ते है, ना? पढ़ते ना हैं 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 तो ऐसा तो नहीं जो हम लोग का डाइजेशन होता है एक ही बार हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं जनरली स्टार्च वगैरह जो लेते हैं पॉलिसेक्राइड में आता और उस पॉलीसेक्राइड को कन्वर्जन करता कौन जो बड़े पॉलिसक्राइड से क्या कहते हैं कि उसको ब्रेक किया तो डाइसेक्राइड में किया तो इसके बीच कई एंजाइम्स आते हैं जो कहीं कही ना कहीं ये कन्वर्जन का काम का कराता रहता है ठीक है अब फंक्शन ऑफ सलाइवा सलाइवा का, का काम क्या है देखो हम थोड़ा सा ये दोनों एक साथ करके खत्म करेंगे आगे से हम लोग फिर सेपरेट कर लेंगे तो से सेपरेट करना टफ हो जाएगा थोड़ा सा तो फंक्शन ऑफ सलाइवा की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सलाइवा का काम क्या है तो जैसे सलाइवा इज अ वेरी डाइजेस्टिव जूस जाहिर सही बात है क्योंकि सलाइवा अगर आपके पास नहीं है तो आपका डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना है सबसे पहली बात तो आपका जो स्वेलिंग है यही प्रोसेस नहीं होगा है ना जब कभी कभी अः खाते हो सत्तू खाओ सूखा अगर मुंह में चला जाए तो क्या होता है आवाज नीचे से आना बंद हो जाता है है ना आयो नहीं के भेजी तो ऐसा बहुत सारी चीज है जिसको तुम जबान पे रखते हो तो पूरा ड्राई होता है और क्या प्रसाद आता है हॉर्लिक्स हाँ हो सकता है हॉर्लिक्स से भी हो ऐसा चीज जो ड्राई कर देता है कंप्लीटली आपके माउथ को है ना तो अब उस हम सोचो कि जस्ट सलाइवा जो था आपके बाउथ में पूरा उसको क्या करता है एब्जॉर्व करना तो आपका मुंह चलाना भी टफ हो जाता है ना घर में जो के खाते हो तो पकड़े जाते हो इसी चक्कर में हॉर्लिक्स बचपन में चुरा के खूब खाता है ना जी जीज़। जीज़। खास करके तुम्हारे लिए आया तो ठीक है लेकिन तुम्हारे घर में जब तुम्हारे दूसरे भाई बहन आते हो उसके लिए आता है और जब तुम चोरी करके खाते हो उसमें ये सब चोरी पकड़ा जाता है आसानी से कि जल्दी जल्दी चलाने के चक्कर में फंस जाते है ना बाकी चीज आराम से खा लेते हैं तो खैर हाँ तो ये चीजें क्या है कि बेसिकली like, है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग एक एक करके देखते सलाइवा के फंक्शंस में है ना पहला फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द स्वेलिंग जाहिर सही बात है कि सबसे पहले हमारा क्या काम करना जो फूड हमने लिया है माउथ के अंदर में वैसे भी सोचो ना कि हम जब एक रोटी या सब्जी या चावल कुछ भी खाते रोटी एसली मोस्टली समझो एक तरह का बहुत ड्राई तो नहीं लेकिन ड्राई ही होता है लेकिन हमारे माउथ में जाके होता फिर उसके बाद जो बना है काफी होता है दूटु। <laughs> दूटु। ना तो अब देखिए माउथ जब हम लोग कोई माउथ में लेते हैं जनरली है ना तो हम लोग देखते इसको क्या करते हैं तो उसको

उसके अलावा भी सलाइबा को और वाटरी करने के लिए हमारे ही बॉडी में क्या आ जाता है जो म्यूकस लेयर है माउथ माउथ का माँथ में चार लेयर पड़े ना हर जगह जीआईटी में याद हो ना तो माउथ में जो हमने म्यूकस सब म्यूकस लेयर जो पड़ा है तो वो म्यूकस भी क्या करेगा म्यूकस लेयर म्यूसिन रिलीज कराता है तो वो कहीं ना कहीं वो भी क्या करता और वाटरी कर देता तो ये एक तरह का एडिशनल हेल्प करता सलाइवा सब मिलके सलाइवा सलाइबा सलाइवा किसी एक ग्लैंड के का नाम नहीं है

बाय द मूवमेंट ऑफ द टंग टंग का मूवमेंट होगा ना तो टंग ही नहीं घूमेगा आपका ना और टंग नहीं मूव करेगा तो चबाना थोड़ा सा टफ हो जाता है द एंड मैस्टिकेशन फूड इज अ बोलस उसको हम रोल करा करके किस फॉर्म में लाते हैं बोलस बोलस के फॉर्म में बोलते किसको बेटा बोलस उसको बोलते हैं जब हम निगल रहे होते हैं जिस चीज को जैसे पहला लिया ऐसे बोलस का सिंपल मतलब होता है लुकमा ऐसे अगर सिंपल ना तो हम जब लेते हैं जब चबाते हैं कंप्लीट है, वैसा चिविंग करने के बाद जब आप उसको निगलेंगे तो वो जो जा रहा है वो बोलस है अभी उसको क्या बोलते हैं मतलब कि सलाइवा के साथ कंप्लीट मिक्स हो गया मैस्टिकेट हो चुका है वो जो फूड पार्ट है जो फूड का कंटेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलस बोलेंगे म्यूसिन ऑफ सलाइवा लुब्रिकेटिंग म्यूसिन जो होता है वो कैसा होता है सलाइवा लुब्रिकेटिंग का काम करता है ना क्या होता है लुब्रिकेटिंग समझ रहा है ना वो चिपचिपा टाइप है ना लुब्रिकेटिंग का काम करता है तो बोलस एंड फैसले जिसके वजह से हमारा स्वेलिंग का जो प्रोसेस निगलने का जो प्रोसेस है, है वो क्या होता है आसान हो पाता है तो सलाइवा के अंदर कोई पूछे जो लुब्रिकेशन जो आता है वो कहां से आता है तो म्यूसिन से आता है किससे आता है म्यूसिन म्यूसिन के वजह से देखने को मिलता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट सलाइवा का दूसरा काम एक और देखते कहीं ना कहीं जो हमें टेस्ट पता चलता है भाई अच्छा है खराब है मीठा है तीता है ये तो सीखा टेस्ट बर्ड्स है क्या कहते हैं टंग के पास वो बताता है लेकिन उस चीज को हेल्प करने के लिए एक तरह से जैसे टेस्ट इज अ केमिकल केमिकलेशन है ना

डिजोल्व या फिर उस तरह का प्रॉपर नहीं हो पाएगा ना तो डिजोल्व सब्सटेंस कैन एस्टूमुलेट दर्ड होता है क्या कि आप जो डिजोल्व सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है जो टेस्ट बर्ड्स है उसको क्या कर रहा है स्टूमुलेट कर रहा है और टेस्ट बर्ड का ही काम तो क्या टेस्ट का संजेशन कर कोई ड्राई चीज आप रख देते वो टेस्ट बर्ड को स्टमुलेट नहीं कर पाता लेकिन ये केमिकल फॉर्मेट में जो आ जाता है डिजोल्व सबस्टांस जो हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं क्या कराता है चीजों को डिजोल्व कराता तो वो टेस्ट बट को स्टलेट कर देता के के है इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि ये काम करा देता क्या तो टेस्ट को को सेंसेशन कराता है मतलब क्या और अच्छा उससे बढ़ावा कर देना सिंपल सा मतलब टेस्ट तो वैसे टंग से मिलता ही है बट एक्चुअल टेस्ट टेस्ट कम मिलता है जब आपका कोई भी फूड पार्टिकल किसके साथ मिक्स होता है स्लाइवा के साथ मिक्स होता है ठीक है अब सलाइवा का नेक्स्ट फंक्शन क्या डाइजेस्टिव फंक्शन जो बेसिकली ये भी एक मेजर फंक्शन में आता है लेकिन हम लोग अगली क्लास में डाइजेस्टिव फंक्शन यूज करेंगे अभी आ, आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक आज हम रहने देते ठीक है